छोटे से बड़े सारे एक साथ, ये हैरानी की बात है। हमारे यहाँ तो एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक ही सोसाइटी में कर्नल भी रह रहा हो, सूबेदार भी रह रहा हो, मेजर भी रह रहा हो, जनरल भी रह रहा हो, कभी नहीं। फोर स्टार मैं सीडीएस, ये पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉलोनी बनाई है ना सिर्फ जनरल मेजर की, इतनी तो हमारे आर्मी चीफ या जनरल कर्नल को जमीन मिल जाती है। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों एक बार फिर मेजर साहब का वीडियो लाया हूँ, लेकिन ये और वीडियो से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मेजर साहब हमारे जो जनरल थे बिपिन रावत जी, उनका घर दिखाने वाले हैं, और जो हमारे रिटायर्ड जनरल्स और आर्मी के जवान हैं वो किस तरीके से और कितने सिंपल तरीके से वो रिटायरमेंट लाइफ अपनी जीते हैं, और उनका घर भी है वो भी एकदम मामूली सा है, तो उसी पर मेजर साहब वहाँ पे गए हैं। और जो अभी जो जनरल बिपिन रावत के घर में जो रह रहे हैं उनसे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। अच्छा, रोज मैं घर से शूट करता हूं, आप सोच रहे होंगे कि ये भाई ये सड़क पे क्या कर रहे हैं, ये कहां पे कर रहे हैं? ये सेक्टर 37 है नोएडा का, और ये एक फौजी कॉलोनी है सेक्टर 37। यहाँ पे पुराने रिटायर्ड फौजी और कुछ फौजी जो रिटायर होने वाले हैं यहाँ पे आके बसते हैं। ऐसी कई छोटी छोटी कॉलोनीज हैं, और ये जो सेक्टर है ये खास है क्योंकि यहाँ पे खास घर है। अब आप बोलेंगे साहब, ये जो घर है जिसकी फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, ये खास कैसे हो सकता है? तो बड़ा आम सा घर है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर है। ये देखिए, ये नेम प्लेट जिसकी लगी है, यहाँ पे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत, लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत। आइए मैं लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के घर आपको ले चलता हूं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये हैं कौन। दोस्तों ये लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत का तो घर है, लेकिन वो थे कौन? जनरल रावत थे जनरल बिपिन रावत के पिताजी, और ये जो घर है ना जिसके आगे उनके पिताजी का नाम लिखा है, एक्चुअली जनरल बिपिन रावत का घर है। आप देखेंगे बड़ा सादा सा घर है, और जनरल बिपिन रावत ये चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे आके सेटल हो जाएं। इस वक्त ये घर में हैं कर्नल जेपी सिंह, हम कर्नल जेपी सिंह सर से भी आपको मिलवाएंगे और जनरल रावत के बारे में कुछ जानना चाहेंगे उनसे, और वो हमें बताएंगे कि वो कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, और ये बहुत ज़रूरी है लोगों तक ये बात पहुँचानी। और अंत में मैं बताऊँगा कि ये शूट मैं क्यों कर रहा हूँ, इस शूट का पैगाम क्या है। एंड तक देखना पड़ेगा वीडियो आप सबको। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जनरल बिपिन रावत सर के घर पे बैठा हूँ यहाँ पे, और ये इनका घर है जो उनके पिताजी जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के नाम पे था। तो लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के बाद ये घर जनरल बिपिन रावत को मिला क्योंकि वो पुत्र थे, उनके बेटे थे। और मेरे साथ कर्नल जेपी सिंह सर हैं जो इस घर में फिलहाल रह रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य डायलॉग्स में आपका सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया घर में। वेलकम, थैंक यू। सर आप जनरल रावत को कब से जानते हैं? सर जनरल रावत से मेरा काफ़ी समय से परिचय है, जब वो सेवा में थे जी, और उसके बाद 2008 में जब मैं रिटायर हुआ हूँ तब उनसे जो है मेरा परिचय काफ़ी, जो उनसे इंटरेक्शन है काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैं भी इधर ही रह रहा था सेक्टर 37 में जी। और जब जनरल बिपिन रावत सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं, मेरा अभी जो घर है जेपी में कंस्ट्रक्शन में है वो अभी मिला नहीं है, तो क्या मैं आपके घर को किराए पर ले सकता हूँ? तो 2017 से जब उन्होंने सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला तब से मैं उनके इस घर में किराए पर मैं रह रहा हूँ। अच्छा सर, क्या? और फिर उसके बाद उन्होंने कभी ऐसा बोला कि मैं इस घर में आके रहूँगा रिटायरमेंट के बाद, आई वॉन्ट टू बी हेयर, ऐसा कुछ बताया? हाँ, उन्होंने एक बार जब जनरल बिपिन रावत शहीद स्मारक के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे जी, तब मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ था जी, और जनरल बिपिन रावत से मैंने सवाल पूछा था कि सर आप रिटायरमेंट के बाद आप कहाँ सेटल होना चाहेंगे? तो उनका यही जवाब था कि मैं जेपी इधर ही सेक्टर 37 में अपने पुश्तैनी घर में आऊँगा, और वही मेरा जो है वो पुश्तैनी घर है, और मेरे जो आस पड़ोसी से उनसे काफ़ी मेरा इंटरेक्शन रहता है, और उधर ही मैं आकर के सेटल हूँगा। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि सर वो तो आप सेनाध्यक्ष रिटायर होंगे, आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं,
और इस तरह से आपके लिए तो वो घर इतना सूटेबल अप्रोप्रिएट नहीं होगा सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए। तो उनका ये कहना था कि नहीं कोई वो नहीं है, मेरी दो बेटियां हैं, उनकी शादी हो जाएंगी, हम दोनों मियां बीबी उसी घर में जो है रहेंगे और सिक्योरिटी का ऐसा कुछ नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर है उसमें वो रह लेंगे और बड़े आराम से मैं अपना जो है रिटायरमेंट जो जीवन है उसमें ही मेरा व्यतीत करूंगा मैं, ये उनका कहना था। तो सर बड़े सादे व्यक्तित्व के थे, मतलब कि कोई तामझाम कोई शोबाजी हाँ। कुछ नहीं, नॉर्मल बिल्कुल। हाँ जी, जनरल बिपिन रावत बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही ऑनेस्ट थे, अपराइट थे, हार्ड टास्क मास्टर थे, जो कहते थे वो करते भी थे, करते भी थे। जी। और उस तरह से उनका आर्मी में भी नाम है और यहाँ जो सेक्टर 37 अरुण विहार की कॉलोनी है इसमें भी उनको सभी याद करते हैं उनके व्यक्तित्व को, क्योंकि बहुत ही सरल स्वभाव के वो इंसान थे। तो सर इतना छोटा घर मैं अक्सर देखता हूँ कि यू नो जो बाहर जो बिजनेसमैन है जाहिर से बात है उनके पास पैसा बहुत है तो वो तो महल अपने लिए बनाएगा बिजनेसमैन, लेकिन मैंने देखा जनरली इंडियन आर्मी के जनरल्स हैं जनरली 99% अनलेस ही बिलोंग्स टू अ वेल्दी फैमिली, पीछे से कोई खानदानी बहुत पैसा है, 99% के घर तो नॉर्मल ही है सर, मतलब बड़े आम से नॉर्मल साधारण से घर हैं। और ये तो जनरल बिपिन रावत तो ही वाज आफ्टर आर्मी चीफ ऑफ सीडीएस सर। हाँ आपने सही कहा, मैं भी काफी सर्विस के दौरान और इवन आफ्टर रिटायरमेंट जनरल्स के घर आना जाना रहता है किसी ना किसी काम के लिए, कभी हमारा इंटरेक्शन होता है। तो आमतौर पर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और अफसरान मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं ज़्यादातर से। हाँ, और जनरल्स के जो मैंने घर देखा है वो सिंपल और बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन, लेकिन घर में कोई उस तरह से बड़ा महल या बंगलो टाइप का उनका रहने का कोई ऐसा उनकी इच्छा नहीं होती है। अभी मैं जितने भी जनरल से मेरा इंटरेक्शन हुआ है सिंपल घर में वो अपना रह रहे हैं, इवन रिटायरमेंट के बाद भी उनका फ्लैट है। किसी का मैं गया हूँ, किसी का फ्लैट 8वीं मंजिल पर है, किसी का फ्लैट 6वीं 6ठी मंजिल पर है। और जहाँ आप बैठे हैं ये भी ग्राउंड फ्लोर का घर है, इसमें भी इस घर के ऊपर दो फ्लैट्स और हैं। तो बड़े वो किसी और के हाँ आर्मी के जनरल्स बड़े ईमानदार और सरल व्यक्तित्व वाले होते हैं, उनका कोई ऐसा दिखावा इस टाइप से कुछ होता नहीं है। अच्छा सर, आसपास आप बता रहे थे एक पार्क भी है जहाँ पे जनरल रावत जब आते थे तो कहते थे मैं घूमने जाऊंगा पार्क में। हाँ बिल्कुल, वो कौन सा पार्क है सर? पीछे ही है। हाँ, इस घर के पीछे जो पीछे का दरवाजा वो पार्क में खुलता है जी, और वो बहुत ही अच्छा मेंटेन है। जब जनरल बिपिन रावत के फादर जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जीवित थे तब उन्होंने इस पार्क को, उन्होंने भी उसका योगदान था इसको डेवलप कराने में, और वो भी घूमते थे। और उसके बाद में उनकी डिमाइज के बाद में जनरल बिपिन रावत जब भी छुट्टी आते थे इसी में ही पार्क में वो अपना घूमते थे और शाम को और सुबह को इसमें टहलते थे। अच्छा सर, जनरल रावत की दो बेटियां हैं सर, एक की शादी हो गई, दूसरी दिल्ली में है। जो मुझे बताया गया, मुझे ये बताया गया कि जैसे किसी भी आर्मी में कोई भी ऑफिसर है, कोई भी रैंक है, अगर ड्यूरिंग ड्यूटी अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, इस दुनिया से चले जाते हैं ड्यूटी में, तो 3 साल तक एक सरकारी अकोमोडेशन मिलता है सरकारी तौर पे जहाँ पे आप रह सकते हैं। तो जनरल बिपिन रावत की एक बेटी तो जिनकी शादी हो गई वो तो अपने घर पे हैं, और जो दूसरी बेटी है वो उस वाले अकोमोडेशन में रह रही हैं। हाँ जी, क्या बात। तो आपने ठीक कहा, जब समबडी डाइज इन हार्नेस, जब किसी की सेवा में मृत्यु हो जाती है जी, तो भारत सरकार जो है उसके आश्रितों को, उसकी फैमिली को एक सरकारी घर 3 साल के लिए देती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए जो उनकी छोटी बेटी तारणी है उसको दौला कुआं में सरकारी घर उनका भारत सरकार ने अलॉट किया हुआ, नेक्स्ट ऑफ किन है, नेक्स्ट ऑफ वो नेक्स्ट ऑफ किन है। और जब कभी वो यहाँ पर तारणी रावत हमारे यहाँ कभी आती हैं, आई भी हैं, तो वो कहती हैं कि मैं तो वहाँ उसके बाद में इसी अपने इसी घर में आकर रहूँगी, क्योंकि इसी में ही मैं पली बड़ी हूँ और इसी में ही मैंने अपना जो बचपन है वो इसमें व्यतीत किया है। अच्छा सर, तो वो भी वैसी सरल स्वभाव की हैं जैसे जनरल, वो तो खैर जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। सही कहा, सही है। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं वही देखना चाह रहा था कि सर, मैं भी सर कई जनरल्स के घर जाता हूँ सर, वेरी वेरी नॉर्मल आराम से, और कोई ऐसा नहीं, क्योंकि वो अब आप जानते हैं सर फौज में क्या पैसे वैसे तो हैं सर, फौज में होते नहीं है, हमारे फौज में सैलरी आती है उसी में ही, उसी की वजह से ही जो है
घर को लिया जाता है और वो भी 15-20 तारीख तक खत्म हो जाती है सर, वो 20 तारीख तक खत्म हो जाती है, फिर इंस्टॉलमेंट चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। क्या कप्तान, क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सबको एक ही। बिल्कुल, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस अरुण विहार में 5000 यूनिट्स हैं, घर हैं जी, इसमें मोस्टली लेफ्टिनेंट जनरल्स, जनरल्स, मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर, सभी मिक्स, सब मिक्स माहौल में यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव से हमारा उनसे जो सीनियर अधिकारी हैं रिटायर्ड, उनसे बहुत ही सरल स्वभाव के वो व्यक्तित्व वाले लोग हैं और बहुत अच्छा इंटरेक्शन उनके साथ हमारा रहता है। बहुत ही अच्छा हम जो है यहाँ पर तरीके से जो है शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रिटायरमेंट लाइफ जो है जी रहे हैं, सभी के बीच में, सीनियर ऑफिसर्स के बीच में। और यहाँ पर इवन इस अरुण विहार में नायक से लेकर के सूबेदार मेजर तक के भी घर हैं इसी अरुण विहार में, और सब एक साथ जो है बड़े अच्छे तरीके से हम लोग रहते हैं। बहुत ही अच्छी जो है ये अरुण विहार की कॉलोनी है फौजियों की, और इसी अरुण विहार की फौजियों में बता देना चाहता हूँ कि इसी अरुण विहार की कॉलोनी की वजह से आज नोएडा इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले वे बैक इन 1980s में जब फौजी रिटायर हो रहे थे तो यहाँ इन घरों को आकर के ऑक्यूपाई कर रहे थे। जब ऑक्यूपाई होने लगा तो नोएडा पूरा जंगल था, देख देख करके फौजियों को और भी आकर के यहाँ पर जो अगल बगल के सेक्टर्स में बसने लगे, और आज किस मुकाम पर, किस हाइट पर नोएडा पहुंचा हुआ है, ये सब फौजियों के देन है। सर मैं आपको एक बात तो अंत में एक और बात बता दूं, सर आपको तो पता ही है, मुझसे बेहतर पता है मेरे सीनियर ने, कि ये हर जगह होता है सर। हाँ जी, ये पहले जैसे धौलाकुआं है सर, हाँ जी, पहले तो एयरपोर्ट अलग था, हाँ जी, धौलाकुआं उधर उधर एयरपोर्ट नहीं था जहाँ पे आज T1, T2, T3 है, बिल्कुल एयरपोर्ट एल्सवेयर सर, तो यहाँ पे फौजियों को डाल दिया। यहाँ पे तो उस धौलाकुआं में जहाँ पे कैंट था वहाँ पे कीकड़ के पेड़ थे और रात को सीआर बोलते थे सर, वो बिल्कुल ऐसा एरिया था कि कोई जाना पसंद नहीं करता था, फौजियों ने अपनी मेहनत से एरिया बनाया और ये लगभग हर एक कैंटोनमेंट की कहानी है। फिर क्या हुआ कि फौजी वहाँ पे सेटल हो गए, वहाँ पे स्कूल आ गए, वहाँ पे फौजियों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के 10-15-20 साल के बाद वहाँ पे और लोग भी सेटल हो गए। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, एंड आई थिंक अरुण विहार में नोएडा के लिए जो काम कर रहा है सर, वो तो दुनिया याद रखेगी रखेगी। बिल्कुल सही। तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, सच अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज स्पीकिंग टू यू, ग्रेट ऑनर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड यू आर वेलकम। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं घर के बाहर और अपने दिल की दो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये था जनरल बिपिन रावत का घर, और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए लोग कहते हैं ना कि इंडियन आर्मी, कई मैं पाकिस्तानियों से बात करता हूँ तो बोलते हैं साहब 71 की लड़ाई थी तो आपके पास असला ज़्यादा था, आपके पास मैन पावर ज़्यादा था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है कि असला ज़्यादा था, मैन पावर ज़्यादा था, ये सब सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इखलाक ज़्यादा था, ईमानदारी ज़्यादा थी, ईमानदारी तो हाँ। आखिरी में सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप ये घर देखिएगा, यहाँ पे नेम प्लेट देखिए, ये इंडियन आर्मी के 4-स्टार जनरल का घर है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और CDS रह चुके हैं इंडियन आर्मी के। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता हूं, मैं बहुत एडमायर करता हूं आपको। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके जो 4-स्टार जनरल हैं, जो आपके आर्मी चीफ हैं, कभी उनका भी वीडियो डालिए कि साहब ये हमारे आर्मी चीफ हैं, ये जनरल बाजवा है ना, ये इनका घर है, घर के अंदर जरा शूट करवाइए। जनरल अशफाक परवेज कयानी, जनरल परवेज मुशर्रफ, आप जाइए अपने जो जनरल्स हैं उनके घर दिखाइए, और तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे मुल्कों में जो अनफॉर्चुनेटली लड़ाई झगड़े का साइकिल है, और जो आप लोग कहते हैं ना इंडियन आर्मी ये करती है ये करती है, मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैंने बहुत पहले बोली थी, द इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो अ मॉरल आर्मी, वी आर नॉट स्ट्रांग बिकॉज वी हैव वेपन्स, वी आर स्ट्रांग बिकॉज वी आर राइट। तो दोस्तों जब भी शुरुआत के प्रोग्राम के और एंड में मैं हर समय ये कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपको आज ये सब नहीं बोलूँगा, मैं लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट आपको नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जिस तरीके से जनरल बिपिन रावत ने अपना जीवन बिताया, या आर्मी के जनरल्स और भी हैं जिन्होंने अपना जीवन ऐसे बिताया है सादगी से, आई थिंक वो हमारे लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सबक है, और ख़ास तौर से जो हमारे वेस्टर्न नेबर्स हैं पाकिस्तान, उनकी फौज के लिए एक सबक है। द इंडियन आर्मी सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारतीय सेना है वो भारत के लोगों की सेवा करती है। True. भारत के लोग भारतीय सेना की सेवा नहीं करते, और ये सबसे बड़ा फर्क है,
इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वो बोल रहे थे आप भी कभी जाकर वीडियो बनाए तो भाई हमें तो अभी जिंदगी की लोड है, जरूरत है, हमने जीनी है। नहीं अलाउ अलाउ ही नहीं होता हमारे, मतलब कि जो एक चाहे ऑन ड्यूटी हो चाहे रिटायर, भाई रिटायरमेंट का नहीं पता, वहां पे भी कोई नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, कितना एकदम सिंपल सा घर था, एक ही फ्लोर है, उसमें ऊपर भी जो दो फ्लैट्स है वहाँ पे भी और कोई रह रहा है, तो एकदम जो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली का घर होता है वैसा ही उनका भी घर था। अंदर भी कोई ऐसी लग्जरी नहीं दिख रही थी, इवन पीछे भी वो जो पार्क में रास्ता जाता है वहीं पे भी आप देख सकते हैं कि दीवारों पे भी वो जो कलर है वो उखड़ गया है, या इतना कोई ऐसा लग्जरी कॉम्प्लेक्स नहीं लगता है और वो था भी नहीं। तो ये हमारे इतना बड़े देश का, इतनी अच्छी इकोनॉमी है हमारे देश की, वहाँ के आर्मी चीफ रिटायर होके ऐसी जगह पे रहते हैं क्योंकि वो सबसे पहले तो ईमानदार है, इसलिए वो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं। अगर ईमानदार नहीं होते तो करप्शन कर करके हमारे पड़ोसी देश की तरह हमारे यहाँ के जनरल भी वो बड़े बड़े महलों में रहते हैं या विदेश चले जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारे रिटायर्ड जनरल है, मेजर्स है, कर्नल्स है और भी जवान है, वो ऐसी सिंपल लाइफ ही जीते हैं क्योंकि ईमानदारी से देश की सेवा की है, तो ऐसी उनको सिंप्लिसिटी ही पसंद आती है। क्योंकि करप्शन करके जो पैसे कमाते हैं उन लोगों को ऐसी लग्जरी लाइफ जीने की आदत पड़ जाती है, लेकिन ये लोग तो पहले से ही ऐसे रहते आ रहे हैं। सिर्फ आर्मी में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ से पैसा बना लेंगे। और जो वो कर्नल सब कह रहे थे कि 15 या 20 तारीख आते आते वो पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम आर्मी के जो जवान रिटायर होते हैं, जनरल हो या कर्नल हो, मेजर हो, सभी जो रिटायर होते हैं उनकी पेंशन बढ़ा सके, तो उन लोगों को ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़े क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी हमारी रक्षा के लिए ही नौछावर कर देते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनकी सिक्योरिटी देखें, फैमिली की देखें और जब वो रिटायर हो। और जो लास्ट में मेजर साहब ने वो चैलेंज किया है पाकिस्तानियों को कि आप अपने यहाँ के जनरल को घर दिखाइए, तो वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि शायद इजाज़त भी नहीं होगी वहाँ पे जाने की और मीडिया में दिखाने की, और शायद जाने भी नहीं देंगे क्योंकि को पता है कि अगर ये अगर वीडियो बाहर चला जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये कैसी हरकतें करके इस तरह के बड़े बड़े महलों में रहते। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत।